आज के दिन की फर्स्ट अपडेट यंगस्टर्स के बारे में है। तो 6 अक्टूबर को लाहौर में अंडर 19 क्रिकेट की पाकिस्तान जूनियर लीग स्टार्ट होने वाली है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में यंगस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। तो इससे रिलेटेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का ट्वीट करते हुए कहना है, यंगस्टर्स नो पन इंटेंडेड विल परफॉर्म एट दी ओपनिंग सेरेमनी फॉलोड बाय फायरवर्क्स दैट विल लाइट अप द नाइट स्काई इंशाल्लाह। तो इस पे तलांजुम का कहना है, मिस्टर चेयरमैन वी आर सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हैशटैग #next11। एंड रमीज राजा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तान जूनियर लीग की फ्रेंचाइज बहावलपुर रॉयल्स का कहना है, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर यू शुड कम एंड सी अस, 6 अक्टूबर 2022 इज गोना बी अ नाइट टू रिमेंबर एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो अब बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो उमर अंजुम की हसन अरशद के साथ एक Q&A वीडियो देखने को मिली है, जिसमे उमर अंजुम ने तला अंजुम के साथ कोलैब के बारे में बात की है, तो आप लोग भी सुन लो। अच्छा यार, एक ना सवाल है जो कि मेरे ख्याल से आपसे लाखों लोगों ने पूछ ही लिया होगा, मतलब जितने भी जिंदगी के अंदर मिले होंगे, वो ये है कि भाई यार हमें कब वो मिलेगा कि हमारे पिताजी के साथ आपका गाना आएगा, मतलब तला अंजुम और उमर अंजुम एक साथ हमें कब नजर आएंगे? यार ये तो सही टाइम पे नजर आएंगे, अभी तो टाइम नहीं है उस चीज का। अच्छा, अभी कोई सीन नहीं है? नहीं अभी तो सीन नहीं है। अभी मैंने सोचा था कि इस मिक्स टेप में या एल्बम में नजर आ जाएंगे। आपने वैसे किया क्यों नहीं कोलैब अभी तक, मतलब घर की बात है? ठीक है, वो चीज होनी है, ठीक है, वो एक ना एक दिन चीज होनी है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि वो कोलैब इस तरह आए कि बस हाँ ये तो आना ही था, ठीक है ये तो होना ही था। प्रॉपर तरीके से डालेंगे उसको, सही टाइम पे डालेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये भी हमारे ड्रिल किंग ड्रिल बीट पे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। उमर अंजुम का तैमूर बे के साथ अपनी बीफ के बारे में बात करते हुए कहना है कि तैमूर के साथ उनकी तरफ से बीफ एंड हो चुकी है। ये जो रिसेंटली बीफ हुआ तैमूर और उमर अंजुम का, ये मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, जो डिवाइन और एमबीए का हुआ था ना, उससे भी काफी जबरदस्त किस्म का हुआ। तो अभी आपने ये जो शुरुआत हुई, मैं बहुत सीधा बोलूंगा कि चीप स्केट्स के अंदर आपने बोला कि आप, मुझे समझ नहीं आई एक बात की, आप गुस्सा तैमूर बेग पे छापने से हुए हो या गुस्सा इस बात पे हुए हो कि वो फेक एलिगेशन, मतलब फेक एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि तलहा बैग करता उसे? क्योंकि अगर आप छापने की वजह से हुए हो ना, तो वहाँ पे फिर एक सवाल उठता है, और वो ये उठता है कि आपने इससे पहले एक गाना कर चुके हैं तैमूर के साथ, और उसमें उसने लाजवाब पहले कर लिया हुआ था, तो उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा लिरिक्स हैं जो छापे, मतलब 16-17 लाइन थी मेरे ख्याल से छापी थी, अगर आप ये कहें तो। आपका मेन इशू क्या है? मेरा मेन इशू वो जो उसकी बार है जो थी कि बैग देता तला वो नहीं देता, वो तो ये गलत है चीज, आप गलत जगह लेके जा रहे हो बात को ना, समझ रहे हो, आपको सुन रहे हैं लोग। ये तो है आपने आपने एक ऐसी चीज की है, ठीक है, जिसने हिट किया है पॉप को, ठीक है, जो भी वो हुआ था उस दिन, वो परफॉर्मेंस के दिन गन वन जो भी निकाली थी, समझ रहे हो, आपने एक चीज किया, उसके बाद आप गाने में बोल रहे हो कि आपने वो चीज करने के बाद आपको तला बैग दे रहा, क्यों देगा बैग, समझ रहे हो? तो ये आप गलत जगह लेके जा रहे हो बाहर। क्या ये बीफ आगे बढ़ेगा? नहीं, मेरी तरफ से नहीं बढ़ेगा, मैंने जो जितना मैंने जो करना था वो कर लिया मैंने, जो कर दिया, जो बाकी हाँ। जो करना था ना वो मैंने देखा है। इसके अलावा उमर अंजुम ने अली मार के और JJ47 के साथ भी कोलैब के बारे में बात की है। आपका अलीम के साथ सीन बनता है, कोई सोचा आपने कि फ्यूचर में मैं कभी करूं? हाँ, फ्यूचर में करेंगे। आपका कभी सीन है कि JJ के साथ कभी कोलैब हो आपका? जी सर के साथ बिल्कुल, मैं मुझे बना के भेजना पड़ेगा उनको, लेकिन क्यों नहीं, मैं तो करूंगा बिल्कुल। वो तो फिर वो हार्ड कोर में तो नहीं जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा वहाँ फिर? हाँ देखें कुछ करते हैं, वो तो जब बनेगा गाना तो देखेंगे। तो भाई एक 15 मिनट में बना के वर्स दे देना, ये ले भाई खत्म, मेरी तो बात खत्म, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं अच्छे से बनाएंगे उसको। तो अब बात कर लेते हैं एसन के बारे में। तो एसन की वैश्यत ईपी के प्री सेव्स अवेलेबल हो चुके हैं, और ये ईपी 28 अक्टूबर को स्पॉटिफाई पे आउट हो जाएगी। एंड इम्तियाजी की भी ईपी आ रही है, पैसी मिस्टेक मींस माय यूसी पसंद, जिसमें उनका फ्यूरी रैपस्टर्स बोल जानी और सैविज के साथ भी कोलैब होगा। ईपी में टोटल 6 ट्रैक्स हैं, फर्स्ट कामिल इंट्रो ऑलरेडी आउट हो चुका है, सेकंड ट्रैक का नेम है गैंग अप फीचरिंग फ्यूरी रैपस्टर्स, थर्ड लेट नाइट, फोर्थ जुस्तजू जिसमें फीचरिंग है बोल जानी की, फिफ्थ फॉरएवर, और लास्ट ट्रैक का नेम है
दूर रह जिसमें फीचरिंग है सैविज की। तो ये ईपी फिलहाल कमिंग सून है, बट लोधी वर्ड्स की अक्टूबर के मंथ में एल्बम आ रही है बेस्ट इन द सीन, जिसमें उनका खाकी और हमजी के साथ भी कोलैब होगा। इसके अलावा इकबाल की डिवाइड एंड रूल एल्बम आउट हो चुकी है, जिसमें उनका ईवा बी के साथ भी एक ट्रैक है फ्रोडिये, एंड पुटिटोपी गैंग का पीटीए एंथम ललकार भी ड्रॉप हुआ है। तो गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।